इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। ये आलिशान द्वार कोल्हापुर शहर की पहचान है, जिसे नगार खाना के नाम से जाना जाता है। ये कोल्हापुर के छत्रपतियों के जूने राजवाड़ा यानी पुराने महल का भव्य प्रवेश द्वार हुआ करता था, जो भवानी मंडप भी कहलाता है। इसका नाम भवानी मंडप इसलिए पड़ा था क्योंकि देवी तुलजा भवानी का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। भवानी मंडप अंबाबाई मंदिर के पास ही है, जो भारत में देवी के 108 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। भवानी मंडप और जूना राजवाड़ा कोल्हापुर के पिछले 250 वर्षों के इतिहास के गवाह रहे हैं। छत्रपति राजवंश की कहानी शिवाजी महाराज के बड़े सुपुत्र संभाजी महाराज के शहीद होने के बाद सन 1689 से शुरू होती है। मराठा राजधानी रायगढ़ पर कब्जा करने के बाद मुगल सेना छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र छत्रपति शाहूजी महाराज को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजा राम प्रथम छत्रपति बन गए। सन 1700 में उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी महारानी ताराबाई ने मराठी साम्राज्य पर शासन चलाया, लेकिन सन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु के बाद शाहूजी को आजाद कर दिया गया और वो अपने साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए दिल्ली से महाराष्ट्र वापस आ गए। इसी वजह से शाहू जी के समर्थकों और महारानी ताराबाई के समर्थकों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। नतीजे में मराठा साम्राज्य सातारा और कोल्हापुर इन दो राज्यों में बट गया। कोल्हापुर के छत्रपतियों की पहली राजधानी पन्हाला किला थी, जो कोल्हापुर से 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन 17वीं सदी के अंत में आज के कोल्हापुर को राजधानी बना दिया गया था। उस समय कोल्हापुर अंबाबाई के मंदिर की वजह से एक महत्वपूर्ण स्थान था। उसी मंदिर के पास बीच शहर में एक बड़ा महल बनाया गया, जिसमें 6 चौक शामिल थे। महल के मुख्य चौक में छत्रपति परिवार की कुल देवी तुलजा भवानी के मंदिर के साथ एक बड़ा हॉल था, जो आज भी देखा जा सकता है। ये हॉल दरबार और अन्य कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता था और भवानी मंडप कहलाता था। समय के साथ लोग पूरी जगह को ही भवानी मंडप कहने लगे। यहाँ पर कोल्हापुर के छत्रपतियों का सिंहासन भी देखा जा सकता है। भवानी मंडप और जूना राजवाड़ा दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे। सन 1813 में हमलावर सेना के अफगान योद्धा सादत खान ने महल के बड़े हिस्से को जला डाला था। भवानी मंडप एक हत्या का गवाह भी रहा है। सन 1821 में छत्रपतियों में से एक संभाजी तृतीय की इसी मंडप में हत्या कर दी गई थी। मुख्य प्रवेश द्वार पर नगार खाना बुआ साहेब महाराज ने बनवाया था। बुआ साहेब महाराज ने सन 1828 से सन 1838 तक कोल्हापुर पर शासन किया था। नगार खाने में संगीत के धुने बजती रहती थी और दोनों तरफ हाथी झूम रहे होते थे। सन 1857 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जबरदस्त बगावत हुई थी। उत्तरी भारत की तरह यहाँ भी छत्रपति के छोटे भाई चिमना साहेब के नेतृत्व में कोल्हापुर की जनता अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। बगावत खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने चिमना साहेब को गिरफ्तार करके कराची भेज दिया। वहीं उनका देहांत हो गया था। सन 1870 में छत्रपति परिवार अंग्रेजी डिजाइन में बने आधुनिक महल यानी न्यू पैलेस में रहने लगे। भवानी मंडप का इस्तेमाल केवल पूजाओं और अन्य कार्यक्रमों के लिए होने लगा। सन 1920 में छत्रपति शाहू महाराज ने यहां कई सुधार करवाए। छत्रपति शाहू महाराज मशहूर समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारत में पहली बार आरक्षण की शुरुआत की थी। सन 1947 में आजादी मिलने के बाद जूना राजवाड़ा का महत्व समाप्त हो गया। यहाँ कई सरकारी दफ्तर,
बस स्टैंड और पुलिस थाने बनवाए गए। सन 1960 के दशक में खाशबा जाधव, जो पहले भारतीय ओलंपिक विजेता है, उनके याद में एक स्मारक भी बनवाया गया। अच्छी खबर ये है कि इस परिसर में पिछले दिनों मरम्मत का काम हुआ है। कोल्हापुर के अतीत का गवाह रहा ये परिसर अब कोल्हापुर के भविष्य की ओर देख रहा है।